अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन अमीन और आपको मेरे YouTube चैनल पे खुश आमदीद। जब तक मैं और लियाकत अपने बैग्स पैक करते हैं, मैं आपको जल्दी से इस सारे ट्रिप और वीलॉग के बारे में बताता हूँ। हम पांच दोस्तों ने दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ देखने का प्लान बनाया, जिसके लिए हमें दुनिया के सख्त तरीन ट्रैक में से एक ट्रैक, जिसका डिस्टेंस तकरीबन 160 किलोमीटर है, को 12 दिन में कवर करना था। K2 बेस कैंप ट्रैक को दुनिया का सख्त तरीन ट्रैक में से एक ट्रैक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये एक एक्सपीडिशन स्टाइल हाइक है, मतलब कि हम सिविलाइजेशन से बहुत दूर होते हैं और हर वो चीज़ जो डेली लाइफ के लिए ज़रूरी होती है वो हमें अपने साथ लेकर जानी पड़ती है। इस ट्रैक का बड़ा हिस्सा बलतोरा ग्लेशियर पर मौजूद है, जो कि दुनिया का 5th लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है, और हमें कई दिन तक इस ग्लेशियर के ऊपर कैंपिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा सख्त वेदर कंडीशन और मुसलसल रास्ते की तब्दीली इस ट्रैक को दुनिया का सख्त तरीन ट्रैक बनाती है। हमने इस व्लॉग में ग्राउंड रियलिटी और खूबसूरत मनाजिर को दिखाने की कोशिश की है और उम्मीद रखते हैं कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। और गाइस, सो वी आर रेडी टू लिफ्ट। हमारे बैग पैक्स रख लिए हैं पीछे। हमारी 2 बजे की बस थी और 2:01 हो चुका है। जैसे कि आपको पता है, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम पूरे 2 बजे निकलते हैं घर से। अभी हम पहुंचे हैं। किधर पहुंचे हैं? हम बस फिर बधाई अड्डे के करीब करीब बस आगे से टर्न लेंगे। दो बच्चे पकड़ ले यार। कैसे हैं आप? ठीक है। गिर गया हमारे ऊपर तो फिर ए सी बड़ा ठंडा कर रहा है यार। मेरी मेरा कौन सा है वो? ये तो जाती यार, ये वहाँ सारी इधर जा रही है। आप इधर आ जाओ यार। नहीं नहीं, पीछे वाला है। ओए यार, पीछे वाले का तू ये मुझे दे। बच्चा छा गया तू। थैंक यू यार छोटे। जो बस में मिली थी वो नहीं मिली। ये हो रहा है ना, ये सही है, मतलब ये अच्छी है, ये सबसे अच्छी है। महीनों में बात सुन ली वाली तो होती नहीं यूट्यूब पे। अच्छा, एक एक थोड़ा थोड़ा अपना तारीफ करो यार, स्टार्ट करना। हेलो, दिस इज मंसूर। मुझे कैसे सब लेकर आए हैं? ठीक है, नहीं पूरी बताना बस हो गया। मेरा ना बताना, तू भी ना कहना कैसे लेके। हम लोग लियाकत और हसन के साथ तो मेरा काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप है। हम लोग ऑलमोस्ट 7 to 8 years से, बल्कि मोर देन 8 years हम साथ हैं। और कैसर और मंसूर के साथ मेरी लास्ट पेशावर वाले ट्रिप में ही गपशप हुई है थोड़ी सी। और ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस हम लोगों का जो है ना, इतना लंबा एक्सपीरियंस ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। सो आई एम वेरी मच मोटिवेटेड। और इससे पहले जो जब शौक पैदा हुआ था इस चीज़ पे जाने का, तो हम लोगों ने जो ट्रैक किया था जहाज़ बांडा, और वहाँ से जो ऊपर हमने ट्रैक किया था टुवर्ड्स कटोरा लेक, सो वहाँ से मुझे शौक पैदा हुआ। सो आई एम सो मच मोटिवेटेड। अच्छा, फॉर रेफरेंस अगर हमें कुछ हुआ हमारी जानों को, तो ये बंदे ये सब रिस्पॉन्सिबल है। हेलो गाइस, सो आज फिर हम जा रहे हैं K2। काफ़ी प्लानिंग के बाद, काफ़ी अरसे से तकरीबन 2 साल हो गए हमें इस चीज़ की प्लानिंग करते। पिछली बार हाजी साहब, ये दोनों हाजी आज पे चले गए थे, तो इस वजह से हमारा जो टूर था वो पोस्टपोन्ड हो गया था। और चलें साथ साथ आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। ये ले जी हाजी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लियाकत सईद और मैंने एक दफ़ा 1890 में मैंने पहली समिट की थी K2 पे, और अभी मैं सेकंड समिट, बच्चों ने कहा तो मैं इनके साथ चल दिया। अभी हम दोबारा समिट करेंगे 2023 में, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अच्छे मनाजिर दिखाएंगे। और अगर हमें कुछ होता है तो ये शख्स है जिम्मेदार। अच्छा, एक दफ़ा पता क्या हुआ, हम ना, मैं जुनेद और हसन, ओए हम किधर जा रहे थे जुनेद? नहीं, हम कहीं लोअर शो जाए, हम कहीं जा रहे थे, हम वो शॉप्स की नाम पढ़ रहे थे। ओ यार, पता क्या शॉप का, शॉप का नाम लिखा हुआ था अलिफ वाओ ये सीन, कहता ओएसिस। उसके बाद लिखा हुआ था ओएस, ओएस नाम लिखा था, ओएस ओएसिस। उसके बाद लिखा हुआ था, उसके बाद शॉप का नाम लिखना पड़ा दूध पा, दूध पा। ठीक है, था दूध पति, दूध पार्टी, दूध पार्टी यहाँ पे किसी वो देखो। ऑलराइट गाइस, सो हमारा पहला स्टॉप आ गया बस का। चलते हैं बस से, तो कुछ खाते हैं, हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ।
अच्छा जी जुनैद भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक का सफ़र का? यार अभी तक बस ठीक है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बस थोड़ी सी टायरिंग है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बस, मेरा भी यही फीलिंग है। बट हमें एक खासी इस तरह के एक्सपीरियंसिस करने चाहिए, तभी आपको अपनी लाइफ की लग्जरीज जो है ना उनकी वेल्थ का अंदाजा होगा। सर सारी बातें छोड़े, आप ये बताएं आपको फील हो रहा था वॉशरूम गया, कुछ फील हुआ है मतलब? सर VIP 5-star वॉशरूम है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो है ना, आपको साबुन की बात कर रहे हो, हर किस्म का वहाँ पे जो है ना वो हैंड वॉश पड़ा हुआ है, ठीक है, सैनिटाइजर सब चीज़ें हैं, टिश्यू भी आया था, ठंडा पानी, ठीक है, ठंडा ठंडा, उनके वो शॉवर भी दूसरे बंदे ने लगाया। हाँ अच्छा, और सबसे खास बात, कुंडी वाला निज़ाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओपन एयर। लाल लाइट ऑन, इससे आपकी नींद खराब नहीं होगी। बोल भी तो सही ना, लाल लाइट, लाल लाइट माले लाल ये वाला मजे का लगा। इस टाइम हम लोग विशाम के एरिया में रुके और बस हमारी जो है कैसे लगे, गुड न्यूज़ है? गुड न्यूज़ ये है कि उस बस का फिल्टर लीक हो गया, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या हो गया? Oh बस का ऑयल का फिल्टर लीक हो गया है, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और वो मैकेनिक 5-6 आप देख सकते हैं, पूरी टीम लगी हुई है इस वक्त। भाई हम बैठे हुए हैं खच्चर पे, खच्चर भी इससे तेज होता है, अगर खच्चर पे बैठते इस वक्त तक पहुंच जाते हैं, ये कछुए पे बैठे हुए यहाँ पे थोड़ी जगह रुके हैं क्योंकि आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है, तो अभी ट्रैफिक रुक गई है और ये मशीन लगी हुई है और वो पत्थर को क्रश कर रहे हैं। और है जी, सो हम स्कर्दू पहुंच चुके हैं और ये नाटकों का स्टेशन है। ये माज भाई हमारे हेलो क्लब के लीड हैं। यही मिली तो इसी में आए, हमने फ्लाइट पे आना था लेकिन हमने लास्ट मिनट में ना बस वेट कर रहे थे। आपको शुरुआत में आपने टफ टाइम गुजारा है ना। चलो जी, ऑलराइट गाइस, सो अभी हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट रूम। इसका व्यू है ऐसे माशाल्लाह। अच्छा, मैं मोहम्मद अब्बास, सीईओ K2 एडवेंचर पाकिस्तान। तो मोस्टली मैं K2 बेस कैंप और स्नो लेक, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट और वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब उसमें आते हैं कि एडवेंचरस जो ट्रैकिंग होता है, वही दोनों होता है पाकिस्तान में जो है, उसमें काम करता हूँ। तो अब्बास भाई हमारे शेफ़ है, ठीक, और ये आप ये वर्सेटाइल में सिर्फ शेफ नहीं है, अच्छा ही, इनकेस कोई गाइड का रोल अदा करना है ही कैन डू बेटर, ठीक, अगर आपको कहीं पोर्टर का कोई शॉर्टेज मसला होता है वो भी आप ये हल कर दें, मतलब एक वर्सेटाइल मैंने आपको बताया, आगे चल के फिर आपको चीज़ों का पता चलेगा।
Assalamu alaikum viewers, this is day 2 of our trip to K2 base camp and we are at Sikardu right now. This is our hotel room. और अभी हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए. We slept like an animal. We slept like an animal, a dead sleep, you know. Okay, so party team हमारी जा चुकी है. हम already late हैं because of this guy. और हम नीचे जाएंगे नाश्ते. You know, ठंडे पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है. जल्दी कर यार, सारों के गले खराब हो चुके हैं. आई डोंट नो व्हाई, इधर काफी डस्ट है. रात को हवा चलती है, साथ डस्ट आती है. और खुली भी थी, सांस लेते तो सुबह आपका गला खराब हुआ. पूरे टीम का गला खराब है. अभी जाते हैं नीचे और बाकी टीम से भी आपकी मुलाकात कराते हैं. बाय. सो आज का हमारा प्लान ये है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे आर्मी वालों के पास गए हैं, एफएस सेक्शन के पास गए हुए हैं फॉर अप्रूवल. वो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उस पर साइन करेंगे टू लेट अस एंटर द नेशनल पार्क. और उसके अलावा आज हम सिकरदू में ही हैं और अभी हम जाएंगे डिपार्टमेंट जाना है. वो भी मैंडेटरी होता है जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे होते हैं उनके लिए कि वो ब्रीफिंग लेंगे वहाँ पे जाके. जो कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं वो हमें गाइड करते हैं जो हमने वहाँ पे करनी है. सो अभी हम वहाँ पे जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में आपसे वहाँ पे टूरिस्ट डिपार्टमेंट में मुलाकात होगी. कागजी कार्रवाई है वो तकरीबन हो गई आपकी, ठीक है. सबसे पहले हम आपको सिकरदू, यकीनन आपको दूसरे दोस्तों ने वेलकम किया होगा. मैं ज़ाती तौर पर आप लोगों को यहाँ वेलकम करता हूँ. थैंक यू. और उम्मीद रखता हूँ कि अब तक का सफ़र आप लोगों का तो यकीनन बेहतरीन हुआ होगा. एक तो सबसे पहले ये है कि आप अपने अपनी जान का ख्याल रखें, ठीक है. आप जान की हिफाजत कर लें. दूसरा ये है कि माहौल के हिसाब से ना माहौल अपने स्ट्रैक को ना माहौल दोस्त बनाने की कोशिश करें, ठीक है. और अभी आपके अच्छे सफ़र के लिए, अच्छे ट्रैक के लिए हम दुआ करते हैं. थैंक यू. थैंक यू. ऑलराइट गाइस, सो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने. आज हमारे पास कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं थी तो हमने मनोज भाई से रिक्वेस्ट किया कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो तो हमें कहीं ले जाएं. तो वो वी आर गोइंग टू शंग्रीला. शंग्रीला अपन कचोरा लेक. शंग्रीला रिजॉर्ट नहीं कहते उसको, शंग्रीला लेक रिजॉर्ट भी है. एंड देन द लास्ट वन इज कुटपना लेक. कल्पना वहाँ पर कल्पना हुई थी एक. अच्छा, कल्पना कहते हैं. सो अभी जाते हैं खाना खाने और फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पग कचोरा लेके. सो दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ कचोरा, अपर कचोरा लो. यहाँ
दरमियान में जी भैया आपका हो गया। अच्छा अब वापस ओ मैं केटू ते बंजिया मेरे मौला मैनू छेती पहुंचा दे ते मैं छेती जावा मेरे मौलिया मैनू तू छेती पहुंचा दे मैं ते केटू जाना ओ मैं ते केटू जाना मेरे यारो ओ तुस जाना ते आ जाओ मैं ते केटू जाना नहीं देखा हमने कभी ये चीज नहीं देखी। ये चीज हमें देखने को कहाँ मिलती है मतलब अल्लाह ने आपको गाइस अभी सैंड स्टॉर्म आया हुआ है यहाँ पे एंड वी आर गोइंग बैक टू होटल एबल इंडिकेटर नहीं ऑन कर दिया। गुड मॉर्निंग एंड आज हम अपना होटल लीव कर रहे हैं वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स अस्कोले और वहाँ पे हम एक नाइट स्पेंड करेंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट कैंप और ऑफिशियली आज हमारा जो ट्रैक है टूवर्ड्स के टू बेस कैंप वो स्टार्ट हो रहा है। सो अभी हम रुके हैं नाश्ते के लिए इस वक्त हम शिगर इंटर होने लगे हैं। शिगर इज़ बेसिकली द यू कैन से द लैंड ऑफ केटू और इस वक्त ये देख सकते हैं कि हमारी वेरिफिकेशन या यू कैन से कि हम सबमिट करवा रहे हैं चेक पोस्ट पे अपनी डॉक्यूमेंट्स और जो हमने परमिट वगैरह और चीज़ें हैं वो इस वक्त माज में दिखा रहे हैं उनको और अब हम आप ये कह सकते हैं कि हम अब केटू की जो ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर केटू आता है वो शिगर है उसमें हम इंटर होने लगे। तो ये शिगर व्यू पॉइंट है यहाँ पे सारा शिगर का जो व्यू है वो नज़र आता है। ऑलराइट गाइस तो अभी हम दासू पे रुके हैं और ये दासू होटल है यहाँ पे हम खाना खाएंगे और फिर आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। हसन जा इनिशियली इसी की थी डिस्कशन और हमने कहा यार जाएंगे 2019 ये जी हम स्कोली में एंटर हो रहे हैं अभी ये फॉरेस्ट किर्गिस्तान का आखिरी गांव है अस्कोली और उसके बाद हम लोग ऑर्डर के लिए में ऐड हो जाएंगे एंटर हो जाएंगे। ये कौन सा टावर लगा हुआ है? ये हैं जी अस्कोली की गलियां और गेटवे टू केटू अस्कोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्कोली पहुंच चुके हैं और अपने कैंप साइड पे पहुंच चुके हैं हम। काफ़ी बम्पी राइड थी भाई। अच्छा और जी ये मास भाई आपने काफ़ी इंजॉय किया। हाँ जी हेलो फॉक्स सो वी आर नॉट ऑन अर्थ। हाय हेलो गाइस कैसे हैं? ठीक है
कैसा लग रहा है आपको स्कोली पहुँच के? यार मतलब सबसे पहले तो यह है कि बहुत ही लंबा सफ़र था, जीप पे था, बहुत ज़्यादा ठंडे टाइप लगे, लेकिन अभी आके कैंप्स वगैरह को देख के जान में जान आई और साथ जो व्यू है माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। बम्पी राइड थी लेकिन जो व्यूज़ मिले ना बाद में बेल्जियस के, दैट नेल्ड इट आउट। हाउ यू फेल्ट व्हेन द जीप जंप्ड टुवर्ड्स द खाई? एकदम से ना मैं कलमा पढ़ लिया था और जा निकल गई थी। अच्छा, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रैक। कैन वी गो दिस साइड ब्रो? श्योर, या श्योर श्योर। और आई सी, तो ये हमारे कैंपिंग एरिया है स्कोली में, और ये यहाँ का खूबसूरत सा व्यू चारों तरफ से सफ़ेदे के दरख्तों में घेरा हुआ है इस कैंप एरिया को, और आई गेस यहाँ पे हम लंच और डिनर वगैरह करेंगे। सेटिंग एरिया है यहाँ पे, ये नीचे कुछ शर्पाज और गाइड्स हैं, और आज की एक रात हम यहाँ पे गुजारेंगे और यहाँ से आगे फिर जितना भी सफ़र है हमारा वो सारा ऑन फुट होगा। हम ट्रैक करते हुए जाएंगे टूवर्ड्स के टू बेस कैंप। ये यहाँ पे होटल भी बना हुआ है, बट हमें होटल पे इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमें क्लमटाइज होने का मौका मिलेगा कैंप में सोते हुए। सो हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि आगे हमने सारी जो नाइट्स हैं वो कैंप में ही गुजारनी है। सो ये व्यू है जी यहाँ का, और ये सीन है। फर्स्ट कैंप जो है वो लग चुका है, ऑलमोस्ट बोथ कैंप्स। व्यू दिखाते हैं इसका, माशाल्लाह। आई थिंक दो बंदे आराम से आ सकते हैं इसमें। जी ठीक है ना, जबरदस्त। इसके ऊपर मैट्रेस बिछाएगा, इसके ऊपर से बैग आएगा, ठीक है। बाकी ये है ना, ये इसमें आपके बैग रखने हैं पूरी, तो यहाँ पे ना जी वो रनिंग है उसको लगा। दूसरा कैंप ही असेंबल हो चुका है, इसको व्यू भी आपको दिखाते हैं अंदर से। ये फ्रंट पे जो स्पेस होती है यहाँ पे बैग आते हैं, और इसके नीचे तीन दो लेयर्स होती हैं, पहले ये बिछाते हैं, उसके ऊपर हमारे एक और मैट्रेस बिछेगा, और उसके बाद हमारे स्लीपिंग बैग्स आएंगे ऊपर। ये काफ़ी बड़ा टेंट लग रहा है, आई थिंक तीन बंदे यहाँ पे आराम से आने में। सो इसको इस तरह से हुक कर देते हैं इन केस ऑफ वेंड, ये उड़े ना। सो ये वाटर प्रूफ है। ये जी नीचे मैट्रेस बिछ रहे हैं, इस तरह के होते हैं मैट्रेस, जो नीचे अगर पानी खानी हो उसमें हो तो पानी आने से रोकते हैं, तो फिर इसके ऊपर हम अपने स्लीपिंग बैग्स रखेंगे, उनको हम उनके नाम सुनेंगे। दो मैट्रेसेस आ चुके हैं।